अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज जो मैं एक वीडियो लेके आई हूँ वो एक बेस्ट समर के लिए एक बेस्ट टोनर लेके आई हूँ, जो कि आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा इस तरह के हब्स के मौसम में, ये जो अब दिन आजकल चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है और हब्स इतनी ज़्यादा हो रही है कि सांस लेना, स्किन का सांस लेना भी इतना मुश्किल हुआ हुआ है, तो उसके लिए मैं आपको ये टोनर बनाना सिखाऊंगी। अच्छा, इस टोनर के बेनिफिट्स मैं आपको बताती चलूँ। इसका फ़ायदा ये होगा आपको कि जिन गर्ल्स को गर्मियों में बहुत ज़्यादा दाने पित टाइप के जो होते हैं, बारीक से छांटी सी फेस पे निकल आती है, पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसमें मैं रोज़ वाटर यूज़ करूँगी। पहले मैं आपको ये बनाना बता दूँ। इस बॉटल के अंदर मैंने रोज़ वाटर डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं हमने डालना, क्योंकि हम न्यू बना लें तो ज़्यादा बेहतर है। ये 3 से 4 दिन का मैं बना रही हूँ। और इसके अंदर कौन से पाउडर्स डाल रही हूँ, ये ऑरेंज पील पाउडर है, ये जो मैंने अभी लिया, ये इतनी सी क्वांटिटी में, इससे थोड़ा सा ज़्यादा भी हम डाल सकते हैं। और इतना ही मैं नीम पाउडर ले लूँगी। नीम के आपको पता है कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं, खाने में भी और लगाने में भी बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। तो ये आपने जो है इस बॉटल के अंदर डाल के ओवर नाइट आपने इसको रख देना है। बेशक आप फ्रिज में रख दें, बेशक आप बाहर रख दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और जब आपने यूज़ करना फिर आप तो फ्रिज में ही रखें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है ये। और दूसरी बात वो ये कि आपने ये पाउडर बीच में पड़ा नहीं रहने देना इसका, क्योंकि अगर आप ये पाउडर बीच में ही रहने देंगे तो आपकी स्प्रे बॉटल जो है वो ख़राब हो जाएगी। जब आप स्प्रे करेंगे उसके अंदर इसके ये जो पाइप सा जो इसके अंदर होता है ना, इसके अंदर फंस जाएगा ये, फिर आपका स्प्रे निकलेगा नहीं, बॉटल ख़राब हो जाएगी, क्योंकि मेरे साथ एक्सपीरियंस हो चुका है। इसलिए मैं आपको पहले बता रही हूँ कि आपने इसको पूरी रात इसमें रहने देना है, इसका असर सारा इसमें चला जाएगा। तो फिर आपने जो है वो यूज़ करना है इसको स्ट्रेन करके, वो जो चाय की पत्ती वाली स्ट्रेनर होता है उससे आप इसको जो है वो इजीली जो है स्ट्रेन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, इसको 1 से 2 बार स्ट्रेन कर लें। और स्ट्रेन करने के बाद फिर आपने इसी बॉटल के अंदर इसको डाल के और फिर आपने इसे यूज़ करना है। आप इसको पसीने वाले फेस पे यूज़ नहीं करना, सादे पानी से पहले फेस वॉश करके ड्राई करके फिर आप इस टोनर को यूज़ करें। आपके लिए बहुत फ़ायदे वाली एक चीज़ है, गर्मियों के लिए बहुत बेस्ट रहेगी, स्किन भी आपकी फ्रेश नज़र आएगी, कोई पित दाने कुछ भी नहीं आपके निकलेंगे। अच्छा जी, आप मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।